नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और एक बड़ी खबर से करते हैं हेडलाइंस का बुलेटिन की शुरुआत। जमशेदपुर से बड़ी खबर, छात्र आत्मदाह की कोशिश मामले में छात्र और परिजनों ने शिक्षा कार्यालय थाने का घेराव किया है। आरोपी टीचर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। छात्रा का सही तरीके से इलाज कराने की भी मांग लगातार की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी ने इस संबंध में आश्वासन दिया है, कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन होगा, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और एक बड़ी खबर अपने आप में यह है, बता दें आपको कि बीते दिनों चीटिंग को लेकर एक छात्रा पर आरोप लगा था और उस आरोप के बाद से शिक्षिका ने उसके कपड़े उतरवा लिए थे, जिसके बाद वो छात्रा आत्मग्लानि में डूबी और उसके बाद घर पहुंचने के बाद केरोसिन डालकर अपने ऊपर आग के हवाले खुद को कर लिया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। लोगों का साफ कहना है कि ऐसी शिक्षिका पर तत्काल कार्रवाई हो और तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोई इतनी बड़ा परीक्षा ये नहीं थी, कोई इतनी बड़ी कि उसमें किसी छात्रा के साथ ऐसा कृत्य किया जाए कि उसके कपड़े उतरवाए जाए, भले ही वो चीटिंग भी क्यों ना कर रही हो। ठीक है कि कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा फेयर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, किसी के सम्मान से आप खिलवाड़ करें, किसी के इज्जत को आप तार तार करें। और यही वजह रही कि छात्रा आत्मग्लानि में घर पहुंची और उसके बाद केरोसिन अपने ऊपर डाला और खुद को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, लोग काफी नाराज हैं और इसी कड़ी में शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग के और थाने का घेराव किया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जमशेदपुर में छात्रा आत्मदाह के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावक काफी नाराज हैं कि आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए आरोपी टीचर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बहुत बड़ी खबर और यह मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि एक जांच टीम का गठन होगा, जांच टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो आरोपी शिक्षिका है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। किसी के गरिमा, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला यह मामला हो गया है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। महज एक आरोप, महज एक शक होने के आधार पर किसी के साथ इस तरीके से पेश आया जाए और सरेआम उसकी बेइज्जती की जाए और उसके कपड़े तक उतरवा लिए जाए, न सिर्फ छात्रा बल्कि छात्रों के साथ भी ऐसा किसी भी कुमारी जी के अध्यक्षता में गठित है, जिसमें कि क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी घाटशिला काफी बड़ी हम लोग के पीओ है और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय पीओ है और एपीओ है। अखिलेश जी, चार मेंबर की कमेटी गठित की गई है, ये रिपोर्ट देती है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इवेंट प्रबंध समिति से भी हम लोग बुलाए उनके सचिव को। ये एडेड स्कूल है, इसमें जो कार्रवाई शिक्षकों पर करनी होती है ये प्रबंध समिति के सचिव करते हैं। तो जो भी मामला आता है इसमें जो भी जांच होगा स्पष्ट निष्पक्ष जांच होगी और हम लोग समिति को या प्रबंध समिति को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।